देखिए यहाँ पर अभी आरती आने वाली है, इसलिए यहाँ पर लाइन बन चुकी है और आरती आने ही वाली है और भक्तों की भीड़ देखिए, लाइन लगी हुई है और हम सभी लोग अभी गुरुजी से दर्शन करने जा रहे हैं। अभी गाइज हम लोग जा रहे हैं अब रात के 2 बजे परिक्रमा करने। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हाय गाइस, जय माता दी। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम मॉर्निंग से। अभी बज रहा है 8 और हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम, इसलिए आगे आपको दिखाते रहेंगे। सीताराम। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन में, देखिए हमारा रेलवे स्टेशन भिवानी का, और हमारे साथ ही सभी भक्त लोग हैं बागेश्वर धाम के। ये निखिल जी हैं और ये संजू मामा अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। बोलो जय सियाराम मामी और जय हनुमान बालाजी। ये देखिए हमारी मामी का भी अब आज गेटअप चेंज हो चुका है और इधर ये है जय माता दी ग्रुप। जय माता दी। रेलवे स्टेशन में सभी यात्री बने रहिएगा। गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी ट्रेन खाली है, अभी रुद्रपुर में रुके थे हम लोग, अल्बानी काट के नाम से निकल गए हैं और हमारे मनोरंजन करने के लिए एक ये भी आई हुई है देखे। जय हनुमान जी की जय, पंचमुखी हनुमान जी की जय, सन्यासी बाबा जी जय, धर्मेंद्र शास्त्री भगवान जी की जय। साधु साधु प्रचार है सृष्टि को जिस प्रभु ने, प्रचार जवानी में बुढ़ापा किसने भैया लो छोटू, इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो, मम्मी को दे दो उनकी। कैसा लगा आपको? एक नंबर। आप भी गा सकते हो, आप भी गा सकते हैं। हम आपको गाके दिखाइए अगला, वो क्या कहते हैं, अगली ट्रेन में अपना टैलेंट दिखाइए अगली ट्रेन में। कल्पना दी, कल्पना दी अपना टैलेंट आप भी दिखाइए। भाई इनसे मिलिए, ये हैं कल्पना दी और ये मेरे ब्लॉग में पहली बार आई है, मेरे ब्लॉग में पहली बार आई है, ये इनकी बेटी है और ये बहुत महान चीज है। ये कली खाली नहीं, नहीं ये अच्छे से बताएंगे ना। और करो, आपके संग कुछ अनुभव बताइए वहाँ का, एक्साइटेड थे आप? अरे नहीं, ये कल से हमारे साथ है, बोल दो क्या दिक्कत है, ऐसे बोल दो। हम तो पहुँच गए हैं चौकी और दिल्ली तक से, हम मेट्रो स्टेशन में पहुँचे, अभी हम जा रहे हैं मेट्रो की ओर, उसके बाद देखते हैं अभी यहाँ की भीड़ है।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन दिल्ली में। यहाँ पर सभी यात्री लोग अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन आएगी 6 बजे और अभी बज रहा है 5 बजा है वह अभी, और 6 बजे हमारी ट्रेन आएगी। सब हमारी ट्रेन आने वाली है, अब लेट हो गए 7 बजे। अभी भी पता चला कि 7 बजे आएगी, और अब हम जाएंगे मध्य प्रदेश। तो कहाँ जाएंगे? छतरपुर जाएंगे, बागेश्वर धाम जाएंगे, कभी ना वापस आएंगे, वापस आएंगे। चलो मैं बैठता भी थोड़ा। क्या लेट है गाड़ी? क्या हुआ, लेट हो गई ट्रेन? क्या हुआ बताओ? ट्रेन आ रही है, ट्रेन लेट हो गई यार। अब खाली अच्छी जगह मिल रही है, हम यहाँ पर खड़े हुए आपके साथ, यहाँ पर स्त्री में खड़े हुए थे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। यहाँ पर खड़े खड़े चले आए, चलो नंबर तो आ रहा है। आंटी आप कहाँ जा रहे हो? पहली बार जा रहे हो? 461 बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की साधु जी तारा, और ये सन्यासी बाबा की छठी बार का हमारी थी। सो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी बागेश्वर धाम, और हमारा स्टेशन आने वाला ही है छतरपुर। और देखिए इनसे मिलिए, आपको आई जी, आपको आई फिर आई, आपको आपको नहीं आई। और इनसे मिलिए, आपको आई? हमने क्या क्या खाया? कुछ नहीं खाया, आज भी खा ली। संजय जय माता दी, दिख रहे हो? तो कॉल ही नहीं रुक रहे थे। सो गाइस देखिए बस अगला स्टेशन हमारा आने वाला है, हम आपको दिखाते रहेंगे, मंदिर का दर्शन कराते रहेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं छतरपुर में, और ये छतरपुर का स्टेशन है, और हम लोग यहीं पर उतर गए हैं। यहाँ से ऑटो में जाएंगे, अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, और हम लोग ने 3 ऑटो किए हैं। जैसे उत्तराखंड में पहाड़ होते हैं, देखिए यहाँ पर प्लेट्यू हैं, और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और देखिए बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़, ये सभी लोग बागेश्वर धाम में गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दिव्य दरबार लग रहा है, जहाँ पर निकलते हैं। यहाँ पर अभी दिव्य दरबार लगने वाला है, इसलिए ये सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, और गुरुजी ने आज बोल रखा है कि दिव्य दरबार लगेगा। आप सभी अपने स्थान पे अब विराजमान हो जाए, कुछ गुरुदेव भगवान के जिनको दर्शन हो चुके हैं, आप सभी श्रद्धालु हैं अपने स्थान में सभी लोग बैठ जाए, आप सभी श्रद्धालु हैं बैठ जाए, जल्दी कुछ गुरुदेव भगवान विराजमान होकर के, और 1 घंटे का जो महादिव्य दरबार है वो प्रारंभ होगा। इसके बाद आज विराम दिवस का दिव्य दरबार है, आगामी दरबार अब 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक बागेश्वर धाम सिद्धि आश्रम पर लगेगा। 3 सितंबर को मंगलवार देसी का महादिव्य दरबार बुजुर्ग देव भगवान लगाएंगे। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया आप सभी एक एक करके अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। सभी श्रद्धालु भक्तजन से अनुरोध है, जो भी छत पर भी है छत से आप लोग नीचे आ जाए, जो भी दिव्य दरबार में
आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वहां से नीचे आकर के दिव्य दरबार में सम्मिलित हो। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कृपया आप सभी नीचे आकर के दिव्य दरबार में सम्मिलित हो। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय श्री राम। अगर तुम गोभी बंद करोगे हम तुम्हारे नगर में कथा करने आएंगे। रुको हिंदुओं, अगर तुम गोभी बंद कर दोगे तुम सोगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे। तो तुम भी कहोगे चल मन भागे सोना। गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश से, और हम सभी लोग अभी गुरुजी से दर्शन करने जा रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथ में ये भी हैं, कल्पना दीदी भी हैं, और वो आगे भैया लोग भी हैं, और हम आपको दिखाते रहेंगे। पीछे मम्मी लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ बारिश आने वाली हो रही है। यहाँ का मौसम कुछ इस तरह है। अभी शाम के 6:30 बजे हुए हैं और यहाँ का मौसम देखिए। और आज गुरुजी ने बोल रखा है कि मैं खुद अपने हाथों से सबको भभूति दूंगा, क्योंकि आज भागवत का 9वां दिन है और कल से हमें गुरुजी नहीं मिलेंगे, कल हम भी चले जाएंगे, हमारे भी वापसी है कल। सो यहाँ की सड़कें भी देखिए और यहाँ की गाय। बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है गाइस। ये देखिए भक्त लोग ऐसे विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए बागेश्वर धाम का मेन ध्वज यानी कि झंडा। और अब हम आपको ले जा रहे हैं राम दरबार की साइड। यहाँ पर गैया बहुत हैं गाइस। देखिए सभी भक्त लोग ऐसे हैं। मम्मी पकड़ो तो यहाँ पर दरबार लगता है। इसमें बैठने के लिए स्टूल की तरह बना रखे हैं सीमेंट के। और आज हमने सुबह यहीं से ही राम दरबार के दर्शन किए। यहीं पर गुरुजी अपना दिव्य दरबार लगाते हैं। देखिए गाइस और ये झंडा देखिए मेन मंदिर में ऊपर। मौसम ख़राब हो ही रहा था कि देखिए बारिश भी आ गई है। देखिए बारिश और हम लोग ऐसे लाइन से खड़े हुए हैं इधर। हाँ परिक्रमा देखिए, लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। आए बारिश में परिक्रमा होगा ये जा रहे हैं रोड से बच्चे जो जा रहे हैं पूरी परिक्रमा मंदिर की ऐसे घूमना होता अभी इतनी दूर वहाँ चलने की जगह नहीं होती है। देखिए प्रसाद यहाँ पर ये प्रसाद चढ़ता है और ये नारियल बांटे जाते हैं। ये परिक्रमा कर रही है ये घर का है किनका। ये देखिए यहाँ पर ये हनुमान जी बालाजी के हमारी गदा है और ये है
मेन मंदिर सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ लिखा हुआ है। और ये भक्तों की भीड़ देखिए गाइस, ये देखिए अभी बारिश हो रही है। नहीं मिला डब्बा, नहीं मिला। हमारे प्रमोद भैया बबूती के लिए डब्बा लेने जा रहे हैं, इन्हें डब्बा नहीं मिल रहा है। वो डब्बा नहीं आता है, बबूती रखने के लिए जो गुरुदेव आज अपने हाथों से सभी भक्तों को बबूती देंगे कह रखा उन्होंने, और वो पता नहीं कब तक देते हैं। और ये बहन भी आई है। बहन आप कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं और यहाँ सभी को बालाजी की कृपा होती है। और देखिए हम लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं। हाँ बारिश हो रही है लेकिन अच्छा लग रहा है मंदिर में। देखिए भक्तों की बबूती में भीड़, अंदर तो कितना भीड़ हो रहा है, कहाँ दिखेगा इसमें मंदिर के अंदर। तो कमाने चल गया, अंदर तो बहुत भीड़ है। देखिए यहाँ पर अभी आरती आने वाली है इसलिए यहाँ पर लाइन बन चुकी है और आरती आने ही वाली है। और भक्तों की भीड़ देखिए, लाइन लगी हुई है आरती के लिए। आरती मेन मंदिर में हुई है और वहाँ से अब भक्त लोग जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं वो यहीं से आरती के दर्शन करेंगे और उसके बाद बबूती के लिए इधर लाइन लगी हुई है, इधर जाएंगे गेट से अंदर से। ओम जय श्री राम।
अभी गाइज हम लोग जा रहे हैं अब रात के 2 बजे परिक्रमा करने, और ये देखिए अभी भी देखिए परिक्रमा करने वालों की भीड़, देखिए ये जो चल रहे हैं ये सब परिक्रमा कर रहे हैं। आइए भाई साहब, ये देखिए प्रसाद, आ जाइए भाई साहब, प्रसाद ले जाइए, नारियल पीला नारियल शादी के लिए, आ जाओ भाई साहब, लाल नारियल मनोकामना के लिए और काला नारियल जिनको प्रेत बाधाएं होती है उनके लिए, आ जाओ भाई साहब। ओ भैया सो आपको दिखाते रहते हैं आगे, इधर सब प्रसाद की दुकानें हैं, और ये देखिए माला दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं माला माता रानी? 20 की है, 108 है, 108 की है। ये देखिए फूल, ये रात को 2 बजे भी यहाँ सब खुले रहता है गाइज। ये देखिए परिक्रमा करने वालों की भीड़, ये सब परिक्रमा कर रहे हैं। चाय ले लो, चाय चाय। ये सब 21-12 परिक्रमा करेंगे मंदिर के चारों तरफ से, और अभी रात का 2 बजा हुआ है, फिर भी भक्तों की भीड़ देखिए। यही हैं गुरुदेव के पागल, जो गुरुदेव हर बात में कहते हैं कि मेरे पागलो, ये देखिए। सो गाइस हम भी परिक्रमा करने लग गए हैं अब, और देखते हैं अब, देखिए हमारे संग पीछे इतनी भीड़ है, रात का 2 बजा हुआ है और इतने लोग हैं, और हमारे साथ हमारी गैया भी हैं, गैया भी परिक्रमा कर रही है, नहीं गैया तो यही होते हैं। ये देखें बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। सो गाइज अभी हम लोग को मिले हैं अभी मध्य प्रदेश से ना, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में जो हम लोग हैं अभी, महाराष्ट्र से भैया लोग आए हुए हैं। और आप कितनी बार आ चुके हो? एक साल हो गया। मनोकामना पूर्ण हो रही है आपकी? हाँ। और हमें परिक्रमा कर रहे हैं अभी, आपका कितना राउंड हो गया? 9 राउंड हो गए, अभी 10वां चल रहा है। अच्छा, और हम लोगों का भी 11वां चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, साधु जी सीताराम। सो गाइस हम लोग यहाँ पर परिक्रमा करने के बाद काफ़ी थक चुके हैं, और उसके बाद लेकिन परिक्रमा करने के बाद आरती में जाने का ही यहाँ पर मेन महत्व बताया गया है, तो अब हम आरती के लिए लाइन में चल रहे हैं। और देखिए कितनी भीड़ है, अभी सुबह के 5 बजे भी इतनी भीड़ हुई है, और रात से ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं लोग। और उधर भी देखिए आप कितनी भीड़ है। अब हमारा यहाँ से नंबर पता नहीं कब आएगा, और आप सोचिए हम रात भर जगे हुए हैं, लेकिन अब आरती करने के बाद ही हम जाएंगे। जो मेन बालाजी हैं वो अब हमें आगे जाकर मिलेंगे, और इसमें जो लाइन में जब हम जा रहे हैं कुछ लोगों को प्रेत आत्माएं वगैरह भी आ जा रही हैं इसमें अंदर रैलिंग में आते हुए, तो वो भी हमें इसमें मिल जा रहे हैं, फिर हम उनको लाइन से आगे करके भेज दे रहे हैं। तो आपको भी अपना कभी चेक कराना हो कि हमें प्रेत आत्मा है या वो है, तो आप लोग ज़रूर बागेश्वर धाम आइएगा। और कई लोगों को भी हो जाता है इस टाइप का कि ऊपरी हवाएं होती हैं, तो वो आप बागेश्वर धाम जाके अपने आप को चेक करें। गाइस हम लोग सुबह 8 बजे आए और इतनी बड़ी लाइन हो रही है। नमस्कार, 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 नमस्कार
जिनको कुछ लगा होता है, जिनको प्रेत आत्मा होते हैं, ऐसे ऐसे करता है। देखो ये हम हाथी में जा रहे हैं और यहीं से इनको ऐसा हो रहा है। यहाँ पर नारियल बांधे जाते हैं, जैसे लाल नारियल में अर्जी लगाई जाती है मनोकामना पूर्ण होने के लिए, और पीला नारियल होता है शादी नहीं होती है जिसकी, उसकी शादी के लिए बांधा जाता है, और ब्लैक कलर का दुख बीमारी भूत प्रेत आदि उन चीज़ों के लिए बांधा जाता है, और इसी नारियल को पकड़ के मंदिर की 21 परिक्रमा करनी होती हैं, और 21 बार यहाँ पर पेसी लगाई जाती है, और गुरुजी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं हमारे गुरुदेव कि मैं हूँ या ना हूँ, क्योंकि उनको बाहर भी जाना होता है भागवत में, तो आप धाम में आइए और बालाजी के दर्शन कीजिए और अपनी पेशी आरंभ कर दीजिए। और यहाँ पर ये देखिए ये पेड़ है, इसमें जिनके आपको चेक करना होता है तो ये प्रेत खुद ही यहाँ पर जाकर अपना वो दिखाने लग जाते हैं कि उस पेड़ को छूते ही ये लोग प्रेत आत्माएं में आ जाती हैं, और बाकी भक्त लोग ऐसे अपना पेड़ छू के उनको चले जाते हैं। और ये यहीं पर अपना देखिए इतना बड़ा पेड़ है, और ये यहाँ पर अपना खुद ही ठीक हो जाते हैं फिर। सो गाइस आज हम निकल रहे हैं बागेश्वर धाम से, और अब हम पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन खजुराहो पे, और ये हमारे सामने एक ट्रेन जा रही है, और यहाँ रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ है, अभी 6:30 में हमारी ट्रेन भी आने वाली है। ये देखिए चलो एक फोटो खींचते हैं यहाँ पर, पानी नहीं है। खजुराहो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में पहुंच गए हम लोग, ये देखिए गाइस सेल्फी लो। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खजुराहो प्लेटफॉर्म में एमपी में, और ये देखिए यहाँ पर सभी पैसेंजर अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए अपनी अपने डिब्बे को ढूंढ रहे हैं, और हमारा भी इधर है। बाद में बहुत भीड़ हो गई थी, हम तो शुरू में ही थे ना पीछे जमी तो। हाय गाइस, हाय गाइस, हेलो हेलो, बहुत दूर की बात। आप कहाँ से आए हो?
नैनीताल से अर्जी लग गई आपने? नहीं नहीं कैसे लगा बागेश्वर धाम में? घर को जा रहे हो आज? कब आओगे आप? हम भी जा रहे हैं आपके साथ। हाँ साथ साथ ही जा रहे हैं। कैसे आप कब आओगे? बोलो बागेश्वर धाम की। हाय गाइस, जय माता दी। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरे ढेर सारा प्यार। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम न्यू दिल्ली से और हम बागेश्वर धाम से आ रहे हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं न्यू दिल्ली, इसलिए आज यहां का आपको दिखाते हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग अभी बैठे हैं, ये हमें भैया मिले हुए हैं। इनका नाम है सूरज शुक्ला सीताराम। सीताराम आंटी जी मिली हुई हैं यहाँ पर, और मम्मी और मामी। कैसा लगा आप लोगों को रात का सफर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नींद तो नहीं आई मुझे। नींद तो आपको आती नहीं है? डॉक्टर साहब से दवाई ले ली। कल मैंने गोली नहीं खाई यार, नींद की मेरी आ ही जाएगी। आज तो ठंडा ठंडा हो रहा लेकिन नहीं आई। ये वो आपको आई नींद आई? आप तो अपनी फ्रेंड से भी छोड़ गई थी। मन्नत आपका क्या हाल हुआ रात को? पता नहीं। मन्नत आपने क्या किया बता दो उसमें। कुछ तो किया है कांड। तनिष्का आपका क्या था? चलो आगे बढ़ते हैं। खाना खाके कैसा रहा आप लोगों का रात का सफर? जय माता दी। जय माता दी। रहे हो? बहुत ही बढ़िया मस्त रहा। पचे के नींद में दखल अंदाजी की आप लोगों ने। कभी कुछ प्यार से, कभी दवाइयाँ, कभी ये, कभी OMG। सुबह का मौसम दिखाइए गाइस, देखिए सुबह सुबह ट्रेन से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पीपल का पेड़ दिख रहे हैं और ये आदमी कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। और आपका कैसा रहा? कैसा रहा आपको रात को नींद आया? ठीक है। सो बने रहिएगा, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट।